उपसभापति महोदय, यह हमारे समय की निशानी है कि आईसीसी की राष्ट्रीय समितियां अधिकांशतः विकासशील देशों में हैं। ऐसे देशों की संख्या काफ़ी अधिक है और कुल मानवता का 70% भाग वहाँ बसता है, लेकिन विश्व की कुल आय का बहुत कम अंश उनके हिस्से में आता है। हम में से ज़्यादातर देशों ने गत 25 या 30 वर्षों के अंदर ही औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाई है और उसके बाद से हम अपने लोगों के लिए आवश्यकता की चीज़ें उपलब्ध करने और उनके लिए जीवन के न्यूनतम स्तर की व्यवस्था करने में लगे हैं। यह काफ़ी कठिन काम सिद्ध हुआ है, विशेषता इसलिए कि इस बीच इस तथ्य की अपेक्षा करते हुए कि विश्व के शीघ्र चुक जाने वाले साधनों और पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था लगातार प्रगति करती रही है, विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानता बढ़ती गई है और विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए संकट पैदा हो गया है। वह मुद्रा स्फीति, मंदी और भुगतान असंतुलन के साथ साथ तेल और साधनों के संकटों से भी होकर गुजरी है। यह स्पष्ट है कि गत विश्व युद्ध के बाद विश्वव्यापी आर्थिक विकास और समृद्धि के उद्देश्य से जो प्रणालियां और जो संस्थाएं जन्मी वे अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं। इसीलिए अब एक नई विश्व अर्थव्यवस्था की मांग उठ रही है, एक ऐसी व्यवस्था की जो दुनिया के अधिकांश भागों से गरीबी हटाने के प्रयासों को बढ़ावा दे सके। यह केवल एक नारा नहीं है, यह एक अदम्य आवश्यकता है जो विकास की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कठिनाइयों और निराशाओं के कारण पैदा हुई है। आपने जो विषय चुना है यानी भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध, वह उचित और सामयिक है। निरस्त्रीकरण के साथ साथ आज यह विश्व की एक सर्वाधिक महत्व की समस्या है और मानवता का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इस समस्या का समाधान कितनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के साथ निकाला जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मई 1974 में स्वीकृत एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था संबंधी घोषणा के बाद से अभी तक इस विश्व में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंत्रों में विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप शायद ही कोई प्रगति हो पाई हो। अनेक योजनाएं रखी गई हैं। आज सवेरे के समाचार पत्रों से हमें मालूम हुआ है कि एक नया लैटिन अमरीकी नमूना पेश किया गया है। उपसभापति महोदय, व्यवस्था से लाभ उठाने वालों की परिवर्तन के लिए अनिच्छा को तात्कालिक संदर्भ में ही समझा जा सकता है, क्योंकि अगर सुधार में देरी हुई तो हमें भारी उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने विश्व में परस्पर निर्भरता और शांतिपूर्ण समायोजन बढ़ाने के महत्व और परिणामों पर उचित ही जोर दिया है। हमारा स्पष्टतः पोषित विचार, जिसे मैं फिर दोहराना चाहूँगी, यह रहा है कि विश्व की समस्याओं का समाधान टकराव से नहीं हो सकता। विश्व समुदाय को मिलजुल कर और शांति के साथ विश्व के समग्र उत्पादन और उपभोग के बीच ऐसे संतुलन की खोज करनी होगी जिससे प्रत्येक राष्ट्र को उसका उचित हिस्सा मिल सके। मेरा विचार है कि विश्व समुदाय को दशक की समाप्ति से पहले पहले निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के बारे में किसी निर्णय पर पहुंच जाना चाहिए।
मुख्य प्रश्न बुनियादी प्रौद्योगिकी है, यानी यह है कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि विकासशील देश केवल कच्चे माल और सस्ते श्रम को जुटाते रहें और पूंजीगत सामान, निर्मित वस्तुओं तथा प्रौद्योगिकी की अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित देशों पर निर्भर बने रहें। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है, उसे तब तक आधुनिक रूप नहीं दिया जा सकता जब तक उसको वैज्ञानिक और तकनीकी आधार न प्रदान किया जाए। इस परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करने की अनिच्छा के कारण ही विकासशील देशों की औद्योगीकरण के प्रयासों की आलोचना की जाती है और व्यापार प्रौद्योगिकी तथा विकास संबंधी वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने का आग्रह किया जाता है। दूसरी ओर विकासशील देशों के दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि वे जिस हद तक अपने प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल अपने राष्ट्रीय उत्पादन के लिए नहीं करना चाहते, उसी हद तक वे अविकसित हैं। इस शताब्दी के पाँचवें दशक के आरंभिक वर्षों की तुलना में वे अब यह महसूस करते हैं कि आर्थिक विकास का एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से उन्हीं को प्रयास करना होगा, लेकिन इस प्रयास में वर्तमान आर्थिक संबंधों और रुझानों के रूप में एक बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। आपने कहा कि एक के बाद एक कई देशों ने अपने लाभ की दृष्टि से बहुराष्ट्रीय निगमों का सहारा लेना चाहा, लेकिन वे इसमें अपरिहार्य कारण से सफल नहीं हो पाए। व्यवस्था का केंद्रीकरण न होने के कारण इन अस्पतालों से दिल्ली की जनता को जो लाभ होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हो पाया है। मैं यह आशा करूंगा कि इन सभी अस्पतालों का प्रबंध एक स्थान से हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए। दिल्ली में कैंसर के उपचार के लिए एक अस्पताल बनाया गया है।